तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि विजय माजी का न्यू कॉन्सेप्ट आ चुका है हॉर्स वाला, अगर आप भी अपनी फोटो को जिस टाइप से देखना चाहते हो बिल्कुल सेम टू सेम, तो यार वीडियो को पूरा देखना जब आप लोग अच्छे से एडिटिंग कर पाओगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि यार इस वीडियो को मैंने अभी अपलोड किया हूँ, ठीक है, तो उसे जरूर वॉच कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारी टिप्स आप लोगों को बताया हूँ मैंने, तो आप लोगों के लिए बहुत फायदे वाला वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो यार वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। तो सबसे पहले तो जो भी बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप लोग को उसे ओपन कर लेना अपने पिक्सार्ट ऐप में, ठीक है, और PNG भी बहुत अच्छी आप लोग को दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चेकआउट जरूर करिएगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे रिसाइज कर लेना है, ठीक है, बैकग्राउंड को, और इसके बाद आप लोग अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड फोटो में जाके ले आइएगा, ठीक है। तो यार मैंने मतलब ये निखिल महार की फोटो लिया हूँ, तो आप लोग इसे ऐड कर सकते हो कुछ स्टेप से। और एक बात बताना चाहता हूँ कि यार देखो कुछ स्टेप से आप लोग अच्छे से ऐड करना है, और फोटो कैसे क्लिक करना ये भी बता देता हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बाइक ले लीजिएगा अपनी, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को कुछ स्टेप से मतलब उसके मेन स्टैंड में रख लीजिएगा, और उसके बाद आप लोग को ऐसे मतलब पोज दे देना है जैसे कि विजय माजी का है, ठीक है, तो वैसे आप लोग फोटो क्लिक कर लीजिएगा, तो बहुत ही बढ़िया आप लोग की एडिटिंग हो जाएगी, और जो भी PNG से आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो बहुत ही फायदा होगा आप लोग के लिए। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे जाना अपने ड्रॉ टूल में, ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप लोग बताना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे आप लोग को शैडो को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो हमारी जो एम्प्टी लेयर यहाँ पे लेयर है, ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने साइज कुछ स्टेप्स रख लेना है ब्रश का, और इसके बाद ना आप लोग को यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो भाई छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने, क्योंकि ना मतलब आप लोग को ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं मतलब थोड़ा सा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, और अब भी अपलोड कर रहा था एक तो वीडियो ना, तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग को यहाँ पे ऐड फोटो में जाके बता देता हूँ कि जो PNG है ना ये भी आप लोग को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो इसे भी आप लोग अपनी मतलब जूते के नीचे में लगा लोगे ना, तो ये कुछ स्टेप से मतलब जो घोड़े में मतलब रहता है ना ऐसे पैर में मतलब पैर फंसाने वाला, ठीक है, तो इसे आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। और बाकी सब जो भी PNG आप लोग मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर मांग लीजिएगा आप लोग मुझे, ठीक है, कमेंट करके, तो ये मैं दे दूंगा। इसके बाद आप लोग को सेव कर लेना अपनी फोटो, यहाँ पे चले आना अपनी लाइटर मैप में, ठीक है, तो यहाँ पे चले आते हैं हम लोग अपनी लाइटर मैप में। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी लाइटर मैप में, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे अपनी फोटो को ऐड कर लिया हूँ, मतलब जो एडिटिंग कर रहा हूँ अभी मैंने, तो यहाँ पे ऑटो एडिट में क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ आप देख सकते हो मतलब फोटो पूरी बिगड़ चुकी है, तो ये मत करिएगा, ठीक है, कभी कभी मतलब काम पड़ जाता है वाला टूल, पर कभी कभी नहीं करता, तो यहाँ पे बैक कर देता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्टमेंट करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ हाईलाइट्स थोड़ा सा कम कर लिए थे, शैडोज को थोड़ा सा बढ़ा लिया हूँ मैंने, तो ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है, जो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो कर लीजिएगा। इसके बाद ब्लैक्स को थोड़ा सा कम कर लिया हूँ मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो वाइब्रेंस को बढ़ा लूंगा, यहाँ टेंट को थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, टेम्परेचर को सॉरी, और यहाँ पे वाइब्रेंस बढ़ा लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मिक्स टूल में जाके यहाँ पे ऑरेंज में जाते हैं, और ऑरेंज का मतलब सैचुरेशन कम करके, और यहाँ पे हम लोग जो अपने लूमिनस बढ़ा लेंगे तो फेस ब्राइट हो जाएगा। और बाकी भैया ब्लू का मैं मतलब थोड़ा सा सैचुरेशन लूमिनस बढ़ा लिया, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा भाई, है ना। और यहाँ पे टेक्सचर क्लियरिटी बढ़ा के DS को कुछ नहीं करते भाई, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं इसको मतलब बढ़ा लेते हैं, और इग्नाइट इफेक्ट थोड़ा सा कम करके यहाँ मिड पॉइंट फेदर बढ़ा देते हैं, बाकी सब तो भाई ठीक है। इसके बाद यहाँ पे शार्पनिंग को बढ़ा लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन भी बढ़ा लिए, तो यार बढ़िया हमारी फोटो लग रही है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो, बिफोर आफ्टर बहुत ही बढ़िया हमारी फोटो लग रही है। तो यार यहाँ पे शेयर कर लेते हैं अपनी फोटो। तो फ्रेंड्स यहीं तक था हमारे वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो क्लिक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साइड को बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, इस टाइप की वीडियो लाता रहूँगा आप लोग के लिए, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।